नहीं, वो जो अंडरवेल फाड़ दिया और वो ज्यादा पीछे पीछे भागती है वो तो गलत ही कर रही है। राखी तो ठीक कर रही है बिकॉज अभिनव ने उन्हें डिच किया या फिर उसके साथ गेम खेल रहे थे इसलिए राखी ने वो गुस्से में कर दिया रहेगा, पर राखी की तरफ से वो रियल लगता है। ये बहुत ही गलत कर रही है, भले ही दूसरों को एंटरटेनमेंट लगता है बट अभिनव की वाइफ भी घर के अंदर है, कहीं ना कहीं उसको बुरा लगता रहेगा और राखी ये सब अपने फायदे के लिए कर रही है। डजंट लुक लाइक ये राखी है बिकॉज वो पहले भी सीजन में आ चुकी है, ऐसा पागलपन हमने नहीं देखा है एंड इट इज नॉट इवन लुकिंग गुड। ये सब गलत बात है, किसी का अंडरवियर लेके फाड़ो ये सब गलत बात है ना। फुटेज एंटरटेनमेंट ज्यादा दिखना है एक घंटे के एपिसोड में, दैट्स व्हाई। ये तो ये ऐसा लग रहा है कि ये मतलब उसको ऑब्सेशन हो गया है अभिनव का एक्चुअली, जो नहीं होना चाहिए। एक राखी इज टोटली रॉन्ग, अंडरवेयर ये मतलब मीडिया तक नहीं आना चाहिए अंडरवेयर का, ये सब है ये पूरा फेक है ये। एक तो राखी सावन इज वेरी ड्रामेटिक, ही इज नॉट अ शी इज नॉट अ परफेक्टली शी इज नॉट परफेक्टली परफॉर्मेंस देन ये प्यार देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फेक है। सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। यू नो अभी हमने देखा है जो राखी का प्यार है जो अभिनव के लिए वो एक तरह से पागलपन में कन्वर्ट हो गया है और हाल ही में उन्होंने अभिनव का जो अंडरवेयर है वो फाड़ दिया है, तो क्या लगता है राखी कितना सही कर रही है कितना गलत कर रही है घर के? राखी तो ठीक कर रही है बिकॉज अभिनव ने उन्हें डिच किया या फिर उसके साथ गेम खेल रहे थे इसलिए राखी ने वो गुस्से में कर दिया रहेगा, पर राखी की तरफ से वो रियल लगता है। तो अभी जो राखी जो कर रही है घर के अंदर उन्होंने हमेशा से ही बोला है कि वो अभिनव को पसंद करती है, तो क्या लगता है उनका प्यार जो दिखाया गया है वो रियल है कि फुटेज के लिए? रियल लगता है मुझे बिकॉज वो जब से उसने बोला है कि वो करती है अभी तक तो रियल था, पर बिकॉज अभी ये हो गया है तो वो थोड़ा ये हो गई है डिस्टर्ब्ड हो गई है उसके वजह से। वो अभी उसने उसको कुछ धमकी दिया था कि मैं अभी तुम्हारी हालत बुरी कर दूंगी, या ये भी बोला था उसने अब मैं तुमको गेम बताऊंगी। तो क्या लगता है कि अब जो भी वो अभिनव के साथ या फिर रुबीना के साथ कर रही है वो एंटरटेनिंग लग रहा है कि थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है, क्या लगता है? एंटरटेनिंग भी लग रहा है, इरिटेटिंग भी थोड़ी जगह पर लग रहा है, पर एंटरटेनिंग मेरी तरफ से। हाँ, आप किसको सपोर्ट करती है घर के अंदर? मैं रुबीना को। या थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। डजंट लुक लाइक ये राखी है बिकॉज वो पहले भी सीजन में आ चुकी है, ऐसा पागलपन हमने नहीं देखा है एंड इट इज़ नॉट इवन लुकिंग गुड। और ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है, आई थिंक इट्स ओनली फॉर TRP या फुटेज खाने के लिए, आई डोंट थिंक इट्स राखी। तो जो उनका जो अभिनव के लिए प्यार कहें या पागलपन कहें जो उन्होंने यू नो पहले भी बताया है, तो क्या लगता है कि वो हमेशा से ही एक स्टंट रहा है या फिर उनके लिए फीलिंग्स रही हैं उनके दिल में अभिनव के लिए? फीलिंग्स तो लग नहीं रही है, आई जस्ट थिंक इट्स अ स्टंट। आप किसको सपोर्ट करती हैं घर के? रुबीना, नो डाउट अबाउट इट, शी इज ट्रू, शी इज वॉट एवर शी इज, शी इज बाय हरसेल्फ। थैंक यू सो मच, वेलकम। ये तो ये ऐसा लग रहा है कि ये मतलब उसको ऑब्सेशन हो गया है अभिनव का एक्चुअली, जो नहीं होना चाहिए। एक टाइम पे एंटरटेनमेंट ठीक है, लाइक तुम मस्ती करो वीकेंड पे भी चलेगा, लेकिन ये डेली लिखना अभिनव और पूरा ऐसे रहना सेमी नेकेड रहना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब लोगों को TRP के लिए तुम करो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा लोगों के, तुम पूरा सेमी नेकेड हो जाओ और फिर तुम लिखो ऐसा सब। एंटरटेनमेंट एक टाइप पे ठीक है, लाइक तुम जोक्स करते हो, उनके जोक्स बहुत अच्छे लगते हैं राखी के अभिनव को लेके, संवाद लेता है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन ये जो वो कर रहे सेमी नेकेड होके ये नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। और जो अंडरवेयर का उन्होंने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो राखी ने हमेशा से शो में बोला है कि वो अभिनव से प्यार करती हैं और उनका यू नो एक केमिस्ट्री भी दिखाई गई है, तो क्या लगता है कि जो उनका प्यार है वो हमेशा से फुटेज के लिए रहा है या फिर यू नो थोड़ा रहा है उनका प्यार? जैसे हम लोग बाहर से देख रहे हैं हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि ये मतलब TRP बढ़ाने के लिए ही हो रही है बेसिकली, कि मतलब तुम करो ऐसा स्क्रिप्ट में दिया है तुम करो, लेकिन वो अगर फीलिंग दिल से है तो वो अलग ही सीन हो जाएगा कि हाँ तुम करते तुम अपने तक रखो, लेकिन ये तुम ऐसा बता रहे हो पूरा करके तो ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम स्क्रिप्ट में स्क्रिप्टेड कर रहे हो, तो वो एक टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप किसको सपोर्ट करती है घर के? मेरे को ज़्यादा रुबीना और अली ठीक लगते हैं, और जैस्मिन थी तो जैस्मिन बस। हाँ, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम। नहीं नहीं बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ये सब गलत बात है, किसी का अंडरवियर लेके फाड़ो ये सब गलत बात है ना। तो राखी ने यू नो हमेशा से ही शो में बोला है कि वो अभिनव को पसंद करती हैं और उनका एक एंगल भी दिखाया गया, तो क्या लगता है कि जो उनका भी जो प्यार है जो हद से ज़्यादा बढ़ गया है वो फुटेज के लिए है या फिर सच में कहीं ना कहीं वो उनको पसंद करती हैं? नहीं ये देखो फुटेज है, ज़्यादातर तो ये दिख रहा है कि ऐसा ना दिखावा है, अगर वो उनसे ज़्यादा ही प्यार करती तो उनकी चीज़ों को संभाल के रखती, ऐसा काटती या कुछ गलत नहीं करती उसके साथ, बस फुटेज के लिए है। तो घर में किसको सपोर्ट करती हैं? मैं तो रुबीना। थैंक यू सो मच।
वेल फुटेज एंटरटेनमेंट ज़्यादा दिखना है एक घंटे के एपिसोड में, दैट्स व्हाई, इसीलिए बाकी कुछ नहीं। राखी ने हमेशा से ही बोला है शो में कि वो अभिनव को पसंद करती हैं, तो क्या लगता है कि उनका जो अभिनव को पसंद करना है, और यू हम पहले एपिसोड्स में भी देखा था कि उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर आई लव अभिनव लिख लिया था, तो क्या लगता है ये भी जो वो कर रही हैं फुटेज के लिए है या फिर सिर्फ यू नो सच में वो उनको पसंद करती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसे तो सब पसंद आता है, बीच में राहुल भी पसंद आ गया था उसको, सब फुटेज है, उसको दिखना है ज़्यादा, एलिमिनेशन से बचना है, ये सब चीज़ें, बाकी कुछ नहीं है। के अंदर किसको सपोर्ट? रूबीना अभिनव। या थैंक यू सो मच, वेलकम। एक तो राकेश सावन इज वेरी ड्रामेटिक, ही इज़ नॉट अ, शी इज़ नॉट अ परफेक्टली, शी इज़ नॉट परफेक्टली परफॉर्मेंस। देन ये प्यार देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फेक है। अभिनव रियलिटी में तो इसी के साथ रूबीना के साथ है, लेकिन ये जो रियलिटी जो राकेश सावन दिखा रही है ये फेक है, इट इज़ नॉट अ रियल। जो ड्रामा कर रही हैं घर में, वो मतलब ड्रामा कहें या उनका प्यार कहें अभिनव के लिए, क्या लगता है? क्योंकि यू नो पिछले एपिसोड्स में भी देखा था उन्होंने पूरी बॉडी पर आई लव अभिनव लिख लिया था, तो ये क्या एक एक्सटेंट के बाहर जा रहा है या फिर ये एंटरटेनमेंट लग रहा है? फेक है, इट इज़ रियलिटी फेक। जितना भी राखी परफॉर्म कर रही है ना, उसे फेम के लिए कर रही है। हाँ अभी तक तो जितना भी वो दिखा रही ना, वो फेम है। तो आप घर में किसको सपोर्ट करती? मैं तो अभी रूबीना को कर रही थी जस्ट नाउ, अब मैं अभी अभिनव को कर रही हूँ। जो परफॉर्म अच्छा करेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगी। थैंक यू सो मच, वेलकम। राकी इज़ टोटली रॉन्ग। अंडरवेयर ये मतलब मीडिया तक नहीं आना चाहिए, अंडरवेयर का ये सब है, ये पूरा फेक है। ये प्यार करने की बात है, राखी का आए दिन प्यार चेंज होता रहता है, कभी अभिनव कभी कोई, वो सब फुटेज के लिए। तो जो कर रही हैं राखी घर के अंदर, यू नो पिछले एपिसोड्स में भी हमने देखा उन्होंने पूरी अपनी बॉडी पर आई लव अभिनव लिखा था, और जो यू नो आगे आगे बढ़ते हम देखते जा रहे हैं जो कि ड्रामा वो करती जा रही है, क्या लगता है कि ये एंटरटेनिंग लग रहा है या फिर किसी यू नो इरिटेटिंग लग रहा है, क्या लगता है? इरिटेटिंग, फुल इरिटेटिंग, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही। पहले तो कुछ अच्छा भी कर रही थी, हम लोग को एंटरटेन कर रही थी, अब वो उससे भी गंदा कर रही है अभी। तो अभी क्या लगता है कि जो रूबीना और अभिनव थे हमेशा से यू नो राखी को एक तरह से सपोर्ट ही करते थे क्योंकि वो भी जो भी घर में एंटरटेनमेंट करती थी, अभी वो जो है उनके खिलाफ हो गए, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? उनका बिहेवियर इतना गंदा हो गया कि लोग सब पूरे घर उनके खिलाफ हो गए। उनका जो लव ओवर वाला ना सब फेक ही है, उस वजह से फेक उस देख के उन लोग अपने अपने साइड हो गए। घर में किसको सपोर्ट करती? राहुल, राहुल बाय बेस्ट, राहुल चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही गलत कर रही है, भले ही दूसरों को एंटरटेनमेंट लगता है बट अभिनव की वाइफ भी घर के अंदर है, कहीं ना कहीं उसको बुरा लगता रहेगा, और राखी ये सब अपने फायदे के लिए कर रही है। जी तो जो राखी का प्यार है क्या लगता है आपको, वो सच्चा प्यार है या फिर सिर्फ फुटेज के लिए? फुटेज के लिए। हाँ क्यों लगता है? क्योंकि वो किसी का भला नहीं चाहती है, अपना देख रही है गेम में, वो और विकास दोनों मिले हुए हैं। तो अभी जो हमने देखा जो भी राखी घर के अंदर कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो एंटरटेनिंग हो रहा है या अभी अब ज़्यादा बढ़ गया हद से? ज़्यादा बढ़ गया हद से। हाँ घर में किसको सपोर्ट करते हैं? अली गोनी को। हाँ थैंक यू, वेलकम। नहीं वो जो अंडरवेल फाड़ दिया और वो ज़्यादा पीछे पीछे भागती है, वो तो गलत ही कर रही है, पर राखी मेरी फेवरेट कंसलेटर है, तो मेरे को जो भी करती है अच्छा लगता है। उनको सिर्फ यही है कि वो थोड़ा कम पीछे पड़े और दूसरा कोई तरीका ढूंढे एंटरटेन करने का। उन्होंने हमेशा से शो में यू नो बोला है कि अभिनव को पसंद करती हैं, और पर फिर भी हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि कैसे उन्होंने पूरी अपनी बॉडी पर आई लव अभिनव लिख लिया था, तो क्या लगता है कि शो में जो उनका प्यार है वो फुटेज के लिए है या फिर यू नो सिर्फ मतलब सिर्फ फुटेज के लिए है या फिर सच में उनके लिए कुछ फीलिंग्स है? मेरे को तो नहीं लगता कि उनके लिए कोई फीलिंग है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करती है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं जो वो हरकतें घर में कर रही हैं, आपको क्या लगता है एंटरटेनिंग हो रही हैं या फिर अब इरिटेटिंग होने लगी है? इरिटेटिंग हो रही है, इरिटेटिंग। आप घर में किसको सपोर्ट करते? मैं राखी को ही। थैंक यू सो मच, वेलकम।